हे एवरीवन, वेलकम टू माइन आर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम शिनचैन मूवी हाई गोरे राक्षस से इस ही डेविल की ड्राइंग बनाने वाले हैं, जिसे हम लियोटार्ड डेविल भी बोल सकते हैं। तो हम इसे मास्क्ड फॉर्मेट में बनाएंगे, जैसे कि मूवी में हमें इसे अनमास्क्ड भी दिखाया है एक ह्यूमन के फॉर्मेट में, लेकिन हम उस तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें ये थोड़ा फनी दिखता है और हमें इसे थोड़ा ईवल लुक देना है और हम इसे उसी लुक में रखेंगे। तो मास्क हम यहाँ पर बना रहे हैं और फेशियल फीचर्स के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक बॉल पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मार्कर की टिप थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और इसके फेस पर कुछ अजीब तरह के डिज़ाइन, यहाँ पर एक स्टार होता है और एक सिनिस्टर स्माइल होती है, तो कुछ इस तरह से आपको एक सिनिस्टर स्माइल बनानी है। एंड फिर आपको इसके मास्क को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। तो ये क्रीपी सा मास्क तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन द एंड अब हमें सिर्फ इसकी क्लोथ को कंप्लीट करना है एक केप क्लोथ से। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक डिजाइन बनाना है, इससे केप क्लोथ ज्वाइन होती है। तो आप इसके क्लोथ का साइज अपने हिसाब से भी रख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस पर कुछ लाइंस भी लगा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो वैसे ये अननेसेसरी लाइंस हैं। नाउ अब हमें इसमें कलर करना है, तो स्टार को हम डार्क ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं और इसकी आईज के लिए आपको रेड कलर यूज करना है। और जो यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन बनाया है इसको भी आपको डार्क ग्रीन कलर की हेल्प से कलर करना है। एंड साइड में डिटेलिंग के लिए, इसे थोड़ा शाइन करते हुए दिखाने के लिए वाइट स्पेस छोड़ देना है। और ये जो आप देख रहे हो ये इसके बाल हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज कर रहे हैं। आईज के लिए रेड एंड सिंपली इसकी स्माइल के लिए भी रेड। अब इसके मास्क के हाफ पार्ट को आपको येलो कलर से कलर करना है। और बाकी के हाफ पार्ट को आपको ब्लू कलर की हेल्प से कलर कर देना है। और इसके क्लोथ को कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल पेस्टल की हेल्प ली है, तो पहले मैं इसे ऑयल पेस्टल की हेल्प से कलर करूंगा एंड इन द एंड मैं इसे ब्लेंड कर दूंगा फिंगर टिप की हेल्प से कुछ इस तरह से। नाउ अब मैं एक वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग दिखाने के लिए, क्योंकि वाटर कलर इसके ऊपर नहीं रहेगा, तो इससे आप लाइंस लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ पर आप स्केच कलर का यूज़ कर रहे हो तो आप चाहो तो उसके ऊपर वाटर कलर से ब्रश की हेल्प से वाइट लाइंस लगा सकते हो। सो फाइनली हमने इसकी पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। ये काफ़ी छोटी वीडियो थी और काफ़ी आसान ड्राइंग है। तो आपको ये ड्राइंग कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हो। आपके पास जो भी सजेशन है वो आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।